कहा जाता है कि इस धरती पर कुछ भी अनश्वर नहीं है। जो भी यहाँ आता है उसे एक दिन जाना है। हमारे वेद पुराणों में भी अमृतत्व को लेकर ऐसी चर्चा है, लेकिन आज तक ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो अमरता के रहस्य को खोल सके। देवी देवताओं को छोड़ दे तो पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि इंसानों का शरीर नश्वर है, लेकिन इस दावे का स्पेन के वैज्ञानिक चुनौती देने जा रही हैं। हाल ही में स्पेन की यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने जेलीफिश पर एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि वे बस अमृतत्व से एक कदम की दूरी पर है। स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ओविएडो के डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेट्रिस्ट्री एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्चर ने धरती के एक लौते ऐसे जीव पर एक्सपेरिमेंट किया है जिसे अमृतत्व के करीब माना जाता है। वह जीव जेलीफिश है, जिसे टेरिटोसस टहरनी के नाम से भी जाना जाता है। इस जीव में वापस युवावस्था में लौटने की क्षमता होती है, यानी कि जब इसके शरीर में कोई क्षति पहुंचती है तो वह खुद फिर से एक युवा बन लेता है। इस तरह से वह जब तक चाहे तब तक जीवित रह सकता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित इस स्टडी को कंपैरेटिव प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित इस स्टडी को कंपैरेटिव जीनोमिक्स ऑफ मॉर्टल एवं इमॉर्टल नेडरियंस अनवेल्स नोवेल कीज बिहाइंड रेजोल्यूशनल कहा जाता है। इस रिसर्च के जरिए वैज्ञानिकों ने उम्र को कम करने वाली जेलीफिश के जीनोम को अनुक्रमित किया और डीएनए के सटीक हिस्से को अलग करने में कामयाब रहे। इसी हिस्से का उपयोग करने वाली जेलीफिश अपनी उम्र कम करके खुद को दोबारा युवा बना लेती है। यह रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ओविएडो के डॉक्टर कोलोस ने लोपेस ओटिन के नेतृत्व में किया। उनकी टीम ने जेलीफिश के अनुवांशिक अनुक्रम को उनकी लंबी उम्र के रहस्य का पता लगाने और मानव उम्र बढ़ाने के नए सुराग खोजने की उम्मीद को देखते हुए मैप किया। उन्होंने यह पता लगाया कि टी डोहरिनी के जीनोम में भिन्नताएं हैं जो इसे डीएनए के प्रतिलिपि बनाने और मरम्मत करने में बेहतर बना सकती है, और वे टेलोमेरस नामक गुणसूत्रों के सिरों को बनाए रखने में बेहतर प्रतीत होती है। वहीं मनुष्य में उम्र के साथ टेलोमेयर की लंबाई कम होती दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।